हैं, ये बता देता हूं कि 2023 में चैनल कौन से बनाने चाहिए और कौन से नहीं बनाने चाहिए। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो देर ना करते फटाफट आते हैं सीधे मुद्दे पर। देखो, मुद्दा ये है, आज आ चुका है 2023 और 2023 में भाई साहब अब करना क्या है कि आपको मैं एक बताऊंगा, तीन प्रकार के आप चैनल बना लीजिए। तो तीन प्रकार के आपने अगर चैनल बना लिए ना, तो भाई साहब गारंटी लेता हूँ 101% आपके चैनल मोनेटाइज होंगे। बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को देखिए पूरा। देखने के बाद वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, और अगर और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को फटाफट कर दो सब्सक्राइब। पॉइंट नंबर 1, जब भी आप कोई एक चैनल बनाएं तो सोच समझ कर चैनल बनाना, क्योंकि भैया 2023 में कंपटीशन इतना हो गया है कि आपका चैनल ग्रो होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा इस बात को, इस बात को बड़े बड़े यूट्यूबर बोल रहे हैं, क्योंकि उनको व्यूज चाहिए, व्यूज। अगर वो तड़का नहीं लगाएंगे तो उनके व्यूज कैसे आएंगे भाई उनकी वीडियो पर। तो देखो, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आज 2023 है, देखने वाले भी ज़्यादा हैं आपकी वीडियो को और वीडियो बनाने वाले भी ज़्यादा हैं। और आजकल तो ऐसा युग आ चुका है भाई साहब, वीडियो बनाने वाला है ना, जो वैसे वीडियो बनाने वाला, वो ही आपकी वीडियो को देखने वाला भी है। देखो, आजकल जो वीडियो बना रहा है ना, आजकल तो भाई हर कोई चाहता है कि भाई मैं पैसा पैदा करूं, ऑनलाइन पैसा पैदा करूं। जब ऑनलाइन पैसा पैदा करूंगा तभी तो आप ग्रो कर पाऊंगा। तो देखो, आजकल देखो हर घर से कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जो यूट्यूब पर वीडियो डालता होगा। मैं हर घर की बात कर रहा हूँ, ना कि भैया एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं हर घर की बात कर रहा हूँ। हर बंदा, कोई ना कोई बंदा होगा जो यूट्यूब पर वीडियो डालता होगा। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये लोग क्या है, उल्टा आपको डिसबैलेंस बना देते हैं। देखो, मैं मानता हूँ कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो हाँ आपको अच्छे से गाइड करते हैं, माना उनकी बातों में दम है, अच्छे से गाइड कर रहे हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। फिर भी देखो, मैं आपको बताऊँ, अगर आपने 2023 में दो गलतियाँ कर दी ना, तो आपका चैनल तो टर्मिनेट हो जाएगा। और आपकी जितनी मेहनत आपने की है ना 2022 में की होगी, जितनी मेहनत, देखो 6 महीने हो गए होंगे, किसी को 9, किसी को 8, किसी को 7, किसी को शुरुआत होगी। तो दोस्तों, देर ना करते हुए इन दो गलतियों को सुधारने का सबसे अच्छा मौका है। YouTube आपको कभी मौका नहीं दे रहा भाई साहब। 2023 में कंपटीशन लेवल तो बढ़ चुका है, लेकिन YouTube आप देखो स्ट्राइक वगैरह नहीं देता, सीधे चैनल को टर्मिनेट कर देता है। तो देखो, गलतियाँ ये हैं, गलतियाँ तो मैं बताऊँगा। सबसे पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर बेकार लगे तो डिसलाइक करना। अगर हाँ, अच्छी से अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो मैं बताऊँ, सबसे नंबर वन चैनल रहेगा आपका एजुकेशनल। आजकल इतना ट्रेंड चल रहा है भाई साहब पढ़ाई का, हर घर में मोबाइल है और हर बच्चे एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो देखने आते हैं। कौन सी वाली देखने आते हैं? एजुकेशनल की। हर पता चाहता है कि मैं टॉपर हूँ, बड़ा बनूँ, मैं कुछ अपने माता पिता को कुछ बड़ा करके दिखाऊँ। तो देखो, अगर आपका एजुकेशन चैनल में दम है, कंटेंट आपका अच्छा है, आप अच्छा पढ़ा रहे हो यूट्यूब पर आकर के, तो आपके चैनल को हर कोई देखेगा भाई साहब। और सब्सक्राइब की बात करते हो, वो तो मिलियन में आ जाएगा, मिलियन में। छोड़ो, हजार तो या तो छोड़ना बंद करो बॉस आप। अरे डर गए भैया, 1,000 सब्सक्राइबर और 4 घंटा देखकर आपकी नींद उड़ गई? अरे शर्म करो, ऐसे नींद नहीं उड़ती। आप अपने चैनल बना लीजिए एजुकेशनल, और फिर अगर आपको एजुकेशन के आपके अंदर नॉलेज है ना, तो खुलकर बोलिए, खुलकर बताइए लोगों को कि मैं एजुकेशनल यानी टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ। आप ऑनलाइन आइए, अगर आप एक टीचर हैं तो बिल्कुल गलती ना करें। ये 2023 है, आप सोचे कि नहीं मैं आज नहीं कल बनाऊंगा, यानी 2024 में बनाऊंगा, भाई साहब 5G आ जाएगा तब तक। और 5G आ चुका है, लेकिन देहात में जो देहाती एरिया है वहाँ 5G नहीं है। तो याद रखें, अभी भी आपके पास मौका है, जहाँ सर्वर इशू है वहाँ प्रॉब्लम भी है, वहाँ वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं लोग। तो भाई साहब 5G आने वाला, और अच्छा, अगर आपका चैनल अच्छा बूस्ट करना चाहते हैं तो अभी शुरुआत कर लें। हाँ, अब मैं बात करता हूँ नंबर 2 की। देखो, मैं बेनिफिट भी बताऊँगा इसके, जो आपने चैनल बनाए, चाहे एजुकेशन बनाओगे, चाहे कोई भी बनाओगे, सारे बेनिफिट भी बताऊँगा। वो मैं इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में बताऊँगा इनके बेनिफिट क्या हैं। देखो, वीडियो लंबी हो जाएगी और यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कुछ ज़्यादा MB खर्च होंगे। इसके लिए मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें सारे इनके बेनिफिट और नुकसान सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो देखो, दूसरी कैटेगरी रहेगी आपकी कॉमेडी। आजकल कॉमेडी का इतना ट्रेंड चल रहा है भाई साहब, इतना ट्रेंड चल रहा है आप कह भी नहीं सकते। तो देखो, शॉर्ट बना लो या चाहे लॉन्ग बना लो, लॉन्ग बना लोगे तो और बेनिफिट है, अगर शॉर्ट बना लोगे तो और ज़्यादा बेनिफिट है। तो देखो, मैं बताऊँ,
जब भी आप लॉन्ग वीडियो बनाए मतलब कॉमेडी की, तो कॉमेडी भाई साहब आजकल हर कोई देखना चाहता है, हर कोई इंटरटेनमेंट होना चाहता है। देखो सब कोई, हर कोई आदमी देखो अपनी पर्सनल लाइफ से या वैसे भी थोड़ा बोर हो जाता है, तो क्या करता है वो अपने मोबाइल को ओपन करता है और इंटरटेनमेंट को देखना शुरू कर देता है। अगर हाँ आपने उस व्यक्ति को हंसा दिया, जो आपका व्यक्ति, जो देखने वाला जो व्यक्ति वो परेशान है, तो समझ लो आपकी वीडियो में दम है बॉस, आपका कंटेंट दम है आपकी वीडियो में। तो देखो कॉमेडी चैनल सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं, वो भी भूल जाएं कि एक सब्सक्राइबर चार घंटे वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होंगे, भाई साहब 1% होंगे, 2 महीने आप कॉमेडी करके तो देखिए आपका चैनल वो भी बूस्ट हो जाएगा। देखो अब बात कर लेते हैं कुकिंग की, आपका चैनल है भाई साहब आज को, देखो मैं बताऊँ, देखो गांव में अभी भी ये पिज्ज़ा आटा ये सुगी वुगी नहीं चलता, हर कोई अपने मोबाइल पर जाएगा सर्च करेगा कंटेंट को, जो बोलेगा कि भाई यूट्यूब पर पनीर टिक्का या पनीर या कोई भी वो चीज़ टॉपिक रही कैसे बनाएं, ये आजकल की लेडीज सर्च करती हैं यूट्यूब पर, गांव की लेडीज की बात कर रहा हूँ, सिटी की भी सर्च करती होंगी शायद उनको पता नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर ये सर्च करते हैं, कुकिंग का भी चैनल यहाँ पर बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। ये रहे आपके 3 चैनल।